नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। उपचुनाव के नॉमिनेशन का काम चालू हो चुका है, धीरे धीरे 3 दिन व्यतीत होने जा रहे हैं और 3 दिन यानी 26 तारीख अंतिम नामांकन की तिथि है। आज 22 तारीख गुजर चुकी है, अगर हम उंगलियों पर जोड़ें तो 23, 24, 25, 26 यानी 4 दिन बाकी है और इन 4 दिन में सबको नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी है। फिलहाल घड़ी में 8 बजने जा रहे हैं और अब तक बीजेपी की लिस्ट घोषित नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी 2 जगह की तो कंफर्मेशन हो गई और शायद और जानकारी होगी तो आलोक सर बताएंगे कि करहल और कटेरी पर पर्चा फाइल किया जा चुका है, दाखिल हो गया। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पा रही है? कई जगह खबरें थी कि 8 से 8 उम्मीदवार दलित और पिछड़े वर्ग से उतारने के लिए तैयार है, तो कई खबर है कि 8 दलित उम्मीदवार उतारने जा रही है बीजेपी, कई खबर है कि सारे पिछड़े दलित 9 उम्मीदवार होंगे, 1 सामान्य देंगे। ढेरों बातें चल रही थी लेकिन सामने कुछ नहीं। और सबसे बड़ी जो बात सामने आई है कि अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करके ये आरोप लगा दिया है, कटहरी विधानसभा जिस जिले में आती है उस जिले का नाम है अम्बेडकर नगर और अम्बेडकर नगर के जिला अधिकारी के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, वो राशन डीलरों पर, ग्राम प्रधानों पर दबाव बना रहे हैं। कितना सच है कितना झूठ है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान से घमासान मचेगा जरूर। सुनने में यहां तक आ रहा है कि जिलाधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं, अभी अंबेडकर नगर से सुनने में आ रहा है और वहां के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी बताया और प्रेस के जिम्मेदार लोगों ने भी बताया कि यहां के जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोठेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये कर रहे हैं, क्या ये IAS अकेडमी में यही सिखाया जाता है? क्या ये IAS लोग इसीलिए ट्रेन होके गए हैं? इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए, अधिकारी नहीं है ये, वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। और फिर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे FIR दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था, हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था, हिटलर के जमाने में यह होता था। कल उन्होंने बयान दिया था तो घमासान मचा, आज विधायक जी यू टर्न लेते नजर आए। अब उपचुनाव की पूरी तैयारी, क्या बीजेपी फिर से सपा से बाजी हारी? उम्मीदवारों में इतनी देर क्यों? आलोक सर, देखिए बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार बैकफुट में है और यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है, भाजपा कई खेमों में बटी हुई है, साफ दिख रहा है। और सहयोगी दलों का भी बड़ा जबरदस्त दबाव है। इस वक्त भाजपा के पास 3-4 बड़े सहयोगी दल है और चारों एक प्रमुख OBC जातियों के नेता हैं। मैं नाम बता दे रहा हूं, अनुप्रिया पटेल हैं अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष
केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उर्मी बिरादरी के बड़े नेता हैं, डॉक्टर संजय निषाद निषाद बिरादरी के बड़े नेता हैं, वो भी मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर हमारे प्रिय मित्र बनारस के ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज के नेता हैं, और जयंत चौधरी जी आरएलडी के बड़े नेता हैं। तय नहीं हो पा रहा है, शायद संजय निषाद जी ने वीटो लगा दिया है कि कटहरी से मैं चुनाव लड़ूंगा। अनुप्रिया पटेल भी यहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि लालजी वर्मा, अगर मैंने लालजी वर्मा के प्रभुत्व को नहीं रोका तो कुर्मी समाज के अघोषित नेता लालजी वर्मा उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कई कुर्मी नेता उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव जीते हैं और भाजपा में माफ कीजिएगा सपा में जिस तरह से कुर्मी वोटों का इस बार ध्रुवीकरण हुआ है बड़ी संख्या में, क्योंकि सपा के जो बड़े पहले मुस्लिम कुर्मी नेता थे बेनी प्रसाद जी उनका निधन हो गया था, बसपा से आए हैं लालजी वर्मा जी और उन्होंने बड़ी मेहनत करके 2022 चुनाव के पहले आए थे, 2021 अक्टूबर में आए थे, बड़ी मेहनत करके कुर्मी समाज को और बसपा से जुड़ी अन्य पार्टियों को सपा की तरफ लंबन करने की कोशिश की थी। सफलता 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल गई थी, अम्बेडकर नगर में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था, बगल के जिला आजमगढ़ में भी खाता नहीं खुला था विधानसभा चुनाव में, गाजीपुर में भी खाता नहीं खुला था, मऊ में 4 में से 3 जीत गए थे, बलिया तक में 7 में 5 मामला था, बस्ती में भी 2 विधानसभा सपा जीत गई थी, अयोध्या बगल का जो ऐतिहासिक जिला है वहां पे भी भाजपा को 2 सीटें हारनी पड़ी थी। तो लालजी वर्मा का और बाराबंकी का तो आपने देखा ही है, बाराबंकी तो लोकसभा में उसका रिजल्ट आया। अब अनुप्रिया पटेल भी चाहती है कि वहां से वो मजबूत प्रत्याशी उतारे, उसके अलावा संजय निषाद भी लगे हुए हैं, 2 सीटें मांग रहे हैं, 1 सीट उनके पास थी मझुआ की, तो भाजपा में और गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ बहराइच दंगे के बाद जो खुलासे हुए हैं और आज दैनिक भास्कर का जो स्टिंग ऑपरेशन है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि 2 घंटे के लिए पुलिस ने सबको खुली छूट दे रखी थी, जो लोग एक 2 दंगाई ऑन कैमरा बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और बड़ा आरोप जो अखिलेश यादव लगाया उसके बाद लालजी वर्मा का भी एक वीडियो आया है, लालजी वर्मा जो अंबेडकर नगर के सांसद हैं उनकी पत्नी डॉक्टर शोभावती वर्मा वहां से चुनाव लड़ रही है, नामांकन करने गई थी, तो उन्होंने बोला कि बहराइच माफ कीजिएगा अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी अविनाश सिंह जो वहां पे फरवरी 2023 में पोस्टेड हुए थे उन पर आरोप लगाया कि वो भाजपा के लिए माहौल बना रहे हैं और ग्राम प्रधानों को विशेषकर मुस्लिम ग्राम प्रधानों को बुला के बता रहे हैं कि आपको भाजपा के पक्ष में मतदान कराना है, क्योंकि योगी सरकार में उपचुनाव के इतिहास को हमें समझना पड़ेगा कि प्रशासन के ऊपर पक्षपातपूर्ण आरोप पहले भी लगे हुए हैं। याद कीजिए रामपुर में जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, जब आजम खान साहब की विधानसभा की सदस्यता चली गई थी और उसके पहले लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, जब आजम खान ने लोकसभा से अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया था, आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव आपको याद होना चाहिए 2022 में, बड़ी संख्या में तभी आरोप लगे थे कि विपक्षी पार्टी के वोटरों को वोट डालने नहीं दिया गया था, और कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उस वक्त के रामपुर के एसपी को बढ़िया इनाम भी मिला था। अब ये तमाम दावे हैं और आज तो बड़ा आरोप लगाया है लालजी वर्मा ने, और इसके अलावा ये भी था कि जो भी बूथ बीएलओ को लेकर लगातार आरोप थे कि बीएलओ जितने भी आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी में कि कोई भी मुस्लिम यादव बीएलओ जो था उसको हटा दिया गया था ड्यूटी से, और एक तरफ समझिए भाजपा भी परेशान है, उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है, दूसरी तरफ आज लालजी वर्मा अपनी पत्नी का नामांकन करा रहे थे और अखिलेश यादव ने पीडीओ के जो महत्वपूर्ण वो लोग हैं जाति बिरादरी के नेता और कार्यकर्ताओं के 9 विधानसभा के विधायकों का कार्यकर्ताओं की आज बैठक की थी लखनऊ में, उसमें जैसे शाक्य मौर्य कुर्मी मतलब और भी जो दलित जातियां हैं जाटव पासी ये सारी कनौजिया
इन सारी जातियों के जो प्रमुख चेहरे हैं, प्रमुख नेता है, सबको आज लखनऊ बुलाया था, सबकी एक मीटिंग की है। तो आप ये देखिए कि व्यवहारिक रूप से कौन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है सपा ने, 10 में 10 पे उपचुनाव होना है, अभी फिलहाल 9 पे ही होगा, तो उसमें 7 का कैंडिडेट घोषित हो गया है। सब में ध्यान दिया गया है कि पीडीए को ही टिकट दिया गया है, मझवा जो सामान्य सीट है वहां ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है, फूलपुर में एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया है, अम्बेडकर नगर में जो सीट है कटहरी वहां शोभावती वर्मा चुनाव लड़ रही है। तो टिकटों का वितरण इस तरह से किया गया है। और मीरापुर में तो और भी बड़े दिमाग से खेला गया है, सपा नेता के पुत्रवधू हैं, राणा साहब की बेटी है पुत्रवधू, लेकिन वो बसपा नेता की बेटी है। तो बचा 2 सीटें बची और 2 सीटों के प्रत्याशी भी तय है, कांग्रेस को दे रखा, कांग्रेस अगर नहीं घोषित करेगी तो सपा अपना लड़ाएगी। लेकिन भाजपा को देखिए ना, वो क्या दिख रहा है सर, क्यों नहीं, क्यों उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है। जैसे कल शिवपाल यादव ने कमेंट किया था कि भाजपा पहले उम्मीदवार तो लाए, तब चुनाव की हम चर्चा करें, चुनाव के बारे में सोचें। अरे भाई, हमको तो लग रहा है कि, और देखिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, आज अखिलेश यादव ने 2-3 बिंदु बड़े जबरदस्त उठाए हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का बिंदु उठाया है, जिस महिला कांस्टेबल की इज्जत लूटी गई उसको भी बड़ा मुद्दा बनाया है, पुलिस के लोगों ने 25 लाख का सोना लूट लिया उसको मुद्दा बनाया है, एक बेटी के साथ दरोगा जी ने छेड़छाड़ कर दी, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो योग एक जिनको लोग योगी जी के आंखों के तारा कहते हैं, मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा वो वीडियो जरूर लगा देगा, आज जो वीडियो जरूर लगना चाहिए, जो जिनको लोग बोलते हैं योगी जी के आंखों के तारे हैं, लोग कहते हैं वो अमिताभ यश पे उन्होंने बोला कि खाली सड़क कोई दिख नहीं रहा है, वह बंदूक लेके दौड़ रहे हैं, तंज कसा है उन्होंने अमित की, बताइए जहां सामने कुछ नहीं दिख रहा है वहां ये बंदूक लेके दौड़ रहे हैं। जांच करनी होगी, लेकिन उन बातों में बार बार मत जाओ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो नियम के विरुद्ध है, जहां हत्या हुई है वहां वो जांच का विषय बनता है। सर इसी पर नई एडवाइजरी आज जारी हुई है, पुलिस विभाग ने जारी की है कि जहां जहां भी एनकाउंटर्स होंगे वहां पर वीडियोग्राफी होगी, डॉक्टर्स के पैनल चेक करेंगे, वहां पर जाके फॉरेंसिक टीम जाएगी, इसको किस तरीके से, ये सब किसके अधिकारी होंगे जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे दोगे। आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे। और आप जानते हो कैमरा क्या दिखाता है, भीड़ है नहीं, हाथ में 2 रिवॉल्वर। ये नया जमाना है। और सोचिए बिजनौर में जो कस्टोडियल डेथ हुई है, मतलब कितनी उम्र का लड़का था, कितनी उम्र का, 18 साल, बताइए 18 साल के लड़के को मार पार के जान ले लिया आपने, 4 पुलिस वाले मेंबर साहब जेल चले गए, और पुलिस को जेल जाना पड़ रहा है। सोचिए किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है, आप 18 साल के नौजवान की इतनी पिटाई कर रहे हैं कि उसकी जान चली जा रही है, और ये कस्टडी डेथ एक जगह नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टडी डेथ में नंबर 1 बना दिया है, कस्टडी डेथ में नंबर 1 है, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 है। और देखिए क्या है कानून, क्या कहता है इनका संविधान, क्या कहता है, अगर आपने एक यादव का इनकाउंटर कर दिया या एनकाउंटर में हत्या कर दिया आपने, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें छतरी भी मारना पड़ेगा, मतलब ये कहां का कानून है। आपने एक यादव की हत्या कर दी, अब आपको बैलेंस करना है, समाज में दिखाना है कि निष्पक्ष है, तो आपने छतरी की भी हत्या कर दी, और उसके पिताजी घर वालों से कहा कि नहीं ये तो विपक्ष की वजह से हत्या हुई है, सोचिए आप। और पुलिस के ऊपर आरोप लगा दिया, पुलिस ही सरकार चला रही है, और उन्होंने उस पत्रकार को बधाई भी दी है कि उसने बड़ी हिम्मत का काम किया, दैनिक भास्कर, जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया है। निवेश नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में, ये भी कहा भाई 40 लाख करोड़ का MOU साइन किया था योगी जी ने,
यही मेरे घर के मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर अवध विहार योजना में 22 फरवरी 2023 में बहुत बड़ा इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे, योगी जी भी आए थे, उसके पहले योगी सरकार के तमाम कैबिनेट दुनिया के हर बड़े देश में गए थे। पता नहीं तब क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को जाने की परमिशन नहीं मिली थी। आप समझिए, इन चीजों को समझिए आप। वो निवेश कहां है, वो पूछे वो निवेश कहां है। दूसरी तरफ पीसीएस और तमाम परीक्षाओं में छात्रों के खिलाफ असंतोष है। अभी उपचुनाव होना है 13 नवंबर को। प्रयागराज में हजारों की संख्या में छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरना दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला अभी तक हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद उसका फैसला नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख ही रहे हैं। और एक और आरोप लगाया कि पुलिस की राज्य पर अटैक बहुत करते हैं, कानून लेकिन मैं राम राज्य पर अटैक करते हैं, राम राज्य पर अटैक कर देते हैं एकदम। सर मैं जो सच हो बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता भी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी नाराजगी दिखा चुकी है। तभी भाजपा जो है 66 सीटें पे उसके पास गठबंधन के साथ सीटें थे, उपचुनाव में 2 सीटें वो जीत गए थे। पहले 64 जीते थे, बाद में आजमगढ़ की भी लोकसभा सीट जीते थे उपचुनाव में और रामपुर की। इफेक्टिवली 80 में 66 सीटों पे भाजपा गठबंधन का कब्जा था, 64 पे भाजपा थी, 2 में उनके गठबंधन के उम्मीदवार जीते थे। वो घटके 36 पे आ गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर 44% था और एनडीए का वोट शेयर जो है 1% कम था। कई कारण थे, मैंने तो लगातार पूरे चुनाव के दौरान बोला था कि छात्रों में बड़ी नाराजगी है, दलित और पिछड़ों को लग रहा है कि उसके आरक्षण उसका आरक्षण को खतरा है, सरकारी नौकरी में आरक्षण की नियमावली का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है शिव कुमार जी, चीजें माहौल है, जनता में नाराजगी है। मुझे बताइए ना कि 4 जून के बाद से योगी सरकार ने कौन सा ऐसा फैसला लिया है जिससे ये पता चल सके कि जनता से उसकी नाराजगी कम हुई। एक फैसला बता दीजिए भाई। डबल बेंच का 69,000 शिक्षक भर्ती में जब आदेश आया था हाईकोर्ट की डबल बेंच का 14 अगस्त को, वो लिस्ट जो है 2 दिन में निकल सकती थी, उसको डिले किया गया। इतना डिले किया गया कि दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया, मामला फिर लिटिगेशन में फंस गया। और ये कौन से छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं? चुनाव पे ही लाता हूं मैं, छात्रों की बात फिर करूंगा आपसे, पहले उपचुनाव पे ही आ रहा हूं क्योंकि दलित तो पिछड़े वर्ग के ही छात्र हैं ना सर, 4 साल पहले रिजल्ट आता है। तो क्या ये वोट प्रभावित करेंगे? बिल्कुल किया उन्होंने, मैं गवाह हूं। इसी लखनऊ में 3 मार्च को उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे मोहन यादव जी, यादव महासभा का प्रोग्राम था, वहां पे ये सारे बच्चे पहुंच गए थे। मैं इन बच्चों को कई तो नाम से और चेहरों से जानता हूं, लगातार उनका संघर्ष देख रहा हूं मैं। तो उन सबों ने कहा था हमारी बात, मोहन यादव जी से ही बोला था मोहन यादव जी, चूंकि देखिए एक बात समझनी पड़ेगी शिव कुमार जी, ओबीसी समाज के जो छात्र हो तो ओबीसी समाज के नेता पर ज्यादा भरोसा करता है। वो केशव मौर्य जी से मिलेंगे, केशव मौर्य जी मिलेंगे, बात सुनेंगे, बोलेंगे मैं कराता हूं, हो ही रहा है। एक एक चीज मायने रखती है भाई साहब। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जो शिक्षा मित्र निदेशक काम करते हैं, 7 साल से उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, ये सारी चीजें, वोटर कौन है? 69,000 शिक्षक भर्ती से नाराजगी है, सरकारी नौकरी नहीं है बड़ी संख्या में। और 14 जुलाई को एक पत्र लिखा था उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और पिछड़े समाज के भाजपा के सबसे बड़े नेता केशव मौर्य ने कि मुझे बताइए कि आउटसोर्सिंग और संविदा में की भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया कि नहीं किया गया। मेरी जानकारी में आज तक उस चिट्ठी का जवाब नियुक्ति विभाग ने नहीं दिया है। तो दलित तो पिछड़ों को लग रहा है कि उनका आरक्षण खतरे में है,
इसीलिए वो नाराज होकर उन्होंने भाजपा के अगेंस्ट वोट किया 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब वो कैसे वोट करेंगे, क्या नया फैसला किया है भाजपा ने? और उसके बाद जिला अधिकारी पर आरोप, बीएलओ की बकायदे लिस्ट निकाली गई थी कि पूरा अधिकारी जितने भी था, कि जितने भी चुनाव जहां पे होना था सबको पता था कि 10 विधानसभा में चुनाव है। तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था उस दौरान कि मुस्लिम और यादव अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। कई जगह उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे वोटर जो माने जाते उनके नाम काट दिए गए। तो आप, और दूसरी बात है, चुनाव होना है आज 22 तारीख की शाम को 8 बजे, हम आप डिबेट कर रहे हैं, अभी तक लिस्ट नहीं आई है, जबकि आज कल ये लोग दिल्ली में थे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री। मैं बार बार ट्विटर चेक कर रहा हूं कि शायद लिस्ट आ जाए, लिस्ट आ जाए। जो मैंने आपको बताया कि सर, अभी ये भी कंफ्यूजन नहीं कि कितने सीटें पे खुद लड़ेंगे, कौन कौन उम्मीदवार आपके पास, तो कोई ना कोई तो मैसेज आ गया होगा, कौन कौन। अरे सर देखिए, मैं तुक्के का खेल नहीं खेलता, मेरे को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, और उसको स्वीकार करने मुझे कोई मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। अभी यही कंफ्यूजन नहीं कितनी इन 9 सीटों में भाजपा खुद कितनी सीटों पर लड़ेगी और कितनी सीट सहयोगियों को देगी। आप बताइए ना कि सुपर 30 की मीटिंग लेते हैं योगी जी और उसमें केशव मौर्या नहीं जाते हैं चुनाव को लेकर, केशव मौर्या ही नहीं जाते उस मीटिंग में जो उपचुनाव को लेके 30 सुपर 30 एक नाम एक से दे, याद करिए कोरोना काल में टीम 9 टीम 11। और ये बड़ा आरोप है, संजय निषाद जी ने अमित शाह से मुलाकात की है और संजय निषाद रूठे रूठे घूम रहे हैं, रूठे रूठे सजना मनाऊं कैसे, ये तो मैंने आपको बताया ही है। कैसे मनाए तो रूठे रूठे सजना मनाऊं कैसे, मैंने कहा कटहरी की सीट वो मांग रहे हैं, वो तो मिल्कीपुर भी मांग रहे हैं कि मिल्कीपुर भी मैं अपना प्रत्याशी उतारूंगा, मिल्कीपुर का चुनाव ही नहीं हो रहा है, मझुआ भी मांग रहे हैं, कह रहे मेरा उम्मीदवार था, मेरा विधायक था, मुझे क्यों नहीं दोगे। तो अब ये सब तो भाजपा की अपनी परेशानियां है ना, और अनुप्रिया पटेल कह रही है इन्हें दे दोगे तो एक सीट मुझे भी चाहिए। और सुनिए, और हमारे ओम प्रकाश राजभर बड़े खामोश बैठे हुए, लगता कोई नया खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, वो कल से अखिलेश को सलाह दे रहे हैं, कई बार दे चुके हैं कल से, देखिए वो सलाह कुछ और देते हैं तो और थोड़ी देर बाद कुछ और होता है। नहीं नहीं, जब वो कहीं से नहीं, इस बार वो दाव नहीं खेलेंगे, पिछली बार अरे भाई फंस गए थे, ओम कई ओम साल प्रकाश बेचारे जमीन पर रगड़ते रहे। ओम प्रकाश राजभर जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो कहते हैं, खुद ही कहते हैं, एक जानवर का जिक्र करते हैं जिसका दोनों तरफ मुंह होता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। ओम प्रकाश राजभर जी को और आप भी जानते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को जब चाहे तब छोड़ के जा सकते, इतना मैं जानता हूं सर। उसने क्या कहा था ओम प्रकाश राजभर ने, कि जब तक मुझे मंत्री नहीं बनाया जाएगा तब तक चुनाव की घोषणा नहीं होगी, और मंत्रालय भी उसको बड़ा महत्वपूर्ण मिला है, तो वजन तो है उस आदमी में। थोड़ा समय बुरा हो गया, उनके बेटे चुनाव हार गए, तो आप इन चीजों को समझिए कि कहां पे परेशानी है, परेशानी भाजपा के घर में है। और नारे सोचिए, योगी जी के पोस्टर लग रहे हैं मुंबई में, बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटना नहीं है, एक रहो हिंदुओं। इस सवाल का बड़ा बढ़िया जवाब दिया अखिलेश यादव ने आज, वो देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा जबरदस्त है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि सर वो योगी जी तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, क्या वो पीडीए समाज को कह रहे हैं कि तुम लोग को एकजुट रहना है भाजपा के खिलाफ? एकजुट रहना है भाजपा के खिलाफ, आपको बटना नहीं है। और अब देखिए, एक होता सिंबल की पॉलिटिक्स, भाजपा का अखिलेश कार्यकर्ताओं से बात करते हैं योगी जी मीटिंग में, सुपर 30 किससे मीटिंग करते हैं,
पिछले चुनाव में कार्यकर्ता नाराज थे, कितनी मीटिंग योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश भर के 9 जिलों से आए कार्यकर्ताओं से की, जरा बता दीजिए एक साथ बैठा के। चुनाव कार्यकर्ता लड़ाता है, वो वोटरों के पास जाता है। आप क्या रोडमैप देंगे? ओबीसी समाज का एक बड़ा नेता जो आपकी सरकार का उप मुख्यमंत्री है, उसके और आपके बीच के मतभेद जो है, आप कहते हैं, आपके लोग ट्वीट करवाते हैं कि सरकार बड़ी है, और प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बोलता है कि संगठन है तो सरकार है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य खुलेआम प्रदेश कार्य समिति बोलते हैं। तो आप समझिए असहज कौन है और क्या बोलते हैं। जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। अखिलेश यादव का ट्वीट मुझे बार बार याद आता है, और उसके बाद वो बचपना बचपने भरा या बयान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कि हमको पता ही नहीं था कि हमारे पुराने हारे हुए विधायक ने मिल्कीपुर के मामले में केस कर रखा है। फिर उन्हें ये कैसे पता थी कि समाजवादी पार्टी के वकील हाई कोर्ट में खड़े हो गए? अगर उन्हें और सुनिए, आज आज हमारे आदरणीय सुरेश्वर सिंह जो FIR कराए थे, आज वो कह रहे थे मुझे बाद में पता चला कि अर्पित श्रीवास्तव जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष है। सर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, बहराइच कितना बड़ा जिला है, कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने बेटे को लॉन्च करने के चक्कर में आपने खतरा बता दिया। और कह रहे, और सुनिए एक बड़ी बात उन्होंने और कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज उनका चेहरा उतरा हुआ था जैसे सफाई देने आए होता है ना, जैसे मेरा बॉस डांट देता है तो मैं आके बताऊंगा कि नहीं साहब ऐसा। अब वो कह रहे FIR कराने से कोई दोषी थोड़ी हो जाता है, तो या तो सुरेश्वर सिंह आप FIR वापस ले लीजिए। एक तरफ आप मान लीजिए कुछ लोग, कुछ उपद्रवी मेरी जान लेना चाहते थे, मेरी गाड़ी पर बोरा फेंक दिया, मेरी गाड़ी पर पथराव किया, मैंने शीशे बंद कर लिए थे जो फायर आया था। एक तरफ आप कह रहे हो कि FIR कराने से कोई आरोपी नहीं हो जाता है, तो विधायक जी ये तो साफ करें कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है, करना तो पड़ेगा सर साफ। तो जी क्या सफाई में क्या क्या बोल रहे हैं कि वहां कुछ लोग नशे में टूटने थे, तो इसका मतलब यह है कि हिंदू धर्म की देवी विसर्जन की मूर्ति पूजा में लोग शराब में टूटे। नहीं नहीं, ये आप ये हिंदुओं की धार्मिक भावना इससे भनक नहीं रही, इससे भड़क नहीं रही है। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2 बार सुना है, लगता था कि अब उनको उम्मीद नहीं थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये प्रेस रिलीज FIR की खबर जनता तक पहुंच जाएगी। सर 4 दिन तो FIR नहीं आई, वो तो किसी तरीके से जब अखिलेश यादव ने कहा इस दंगे के दोषी है तो 2 घंटे बाद। समझिए जब किसी छेद को आप किसी चीज को आप छुपाने की कोशिश करते हैं, वो भी आज के जमाने में, तो बड़े गलत तरीके से वो बाहर आती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भास्कर के स्टिंग में जो 2 लड़के बोले हैं वो कितना सही बोले हैं, लेकिन ये तो दिख रहा था ना कि पुलिस वहां लग नहीं रहा था, पुलिस की उपस्थिति थी। और दूसरा वो जो अमिताभ यश को लेके बोला है कि खाली मैदान में पिस्तल लेको किस क्यों दौड़ रहे थे, जैसे लग रहा था खाली सड़क थी, कोई था ही नहीं। अधिकारी है सर और हष्ट पुष्ट है, अगर दौड़ गए तो क्यों नहीं, तो सामने उस वीडियो में सामने भीड़ तो नहीं दिख रही ना भाई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, पूर्व मुख्यमंत्री बोले, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। चलिए सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि अब तक देखिए सुकुमार जी, देखिए मैं फालतू के इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं एक तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेके बोला, मिल्कीपुर का चुनाव टला तो क्या बोला, जिसने जंग टाली है समझो उसने हार मानी है। उम्मीदवार बड़ी बात यह है कि जंग टालने की अपेक्षा अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, अब 4 दिन पर्चा फाइल में बाकी है, बाकी 9 और पता नहीं कौन सी पार्टी किस सीट से लड़ेगी। और अब तक सर प्रपत्र तैयार करने में भी 2 दिन लग जाते हैं। अरे वो सब तो देखिए वो सब तो प्रपत्र तैयार होगा, बस वो नाम लिखना बाकी होगा।
नहीं, उम्मीदवार को तो अपने प्रपत्र तैयार कराने होंगे। अरे सब 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 तैयार रहता है सर, बस पिता का नाम और नाम और एफिडेविट सब जमा करना पड़ता, दो मिनट का काम है सर, सब कोई इशू नहीं है। लेकिन पता ही नहीं कि किस पार्टी से, किस पार्टी कौन सी पार्टी लड़ेगी वहां पे, निषाद की पार्टी लगेगी, अपना दल लड़ेगी, कि बड़े खामोश रहने वाले हमारे राजभर जी किसी सीट से कहीं सब नहीं प्रत्याशी उतार देंगे। आरएलडी कितनों सीटों पे मानती है, आरएलडी भी गाजियाबाद शहर की, गाजियाबाद शहर की सीट पर खैर पर भी जमे पड़े हैं, और खैर से अगला क्या किसको मिलती है अभी इस पर देखना बाकी है। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में ना भारतीय जनता पार्टी ने, ये माने न माने, इनको ताकत मोदी से मिलती है, योगी के भक्तों को बड़ा बुरा लग जाएगा, लेकिन जिस दिन में केंद्र में भाई योगी जी अपने बलबूते नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये उनको दिखाना था पराक्रम, लेकिन अपने ही राज्य में वो भाजपा को नहीं जिता पाते हैं, और योगी के जो तथा उनकी वजह से हैट्रिक हरियाणा में हो गई, आप फिर वही। अरे सर सुनिए, ये ऐसे प्रशंसक, ऐसे ऐसे जो प्रशंसक हैं वो योगी जी का ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं बस यही कहूँ। चलिए सर, आपने बड़ी गंभीर जानकारी दी कि किस तरीके से कचहरी में अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी काम कर रहे हैं, ये अखिलेश यादव का आरोप है, और किस तरीके से अन्य जगहों पर भी ये बड़ी सरगर्मी से खबर उड़ी है। इससे पहले ये खबर रामपुर में उड़ी थी, जहां पुलिस कप्तान पर कई तरीके के आरोप लगे, जिलाधिकारी पर उतने आरोप नहीं लगे थे जितने पुलिस कप्तान पर तत्कालीन पर आरोप लगे थे, और उसके बाद अब वो पुलिस कप्तान कहां है, आज किस जगह है, शायद वो प्रमोशन पाकर डीआईजी भी बन चुके हैं, अब वो कहां है किसी को पता नहीं है, और क्या क्या वो झेल रहे होंगे ये वही जानते हैं। अखिलेश यादव ने तो बड़ी बात कही कि जो जो अधिकारी उपचुनाव में नियमों का पालन नहीं करेगा उसका हम पोस्टर छपवाएंगे, लगवाएंगे। अच्छा। जो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेगा पोस्टर छपवाएंगे। देखिए अधिकारी भी अब डर गए हैं, अधिकारियों को लग रहा है कि सपा की सरकार आ सकती है। ये अधिकारी तो जी सर बात पूरी करिए। ये अधिकारी तो भैया जो उनको पता होता है कि कब किसको झुक के सलाम करना, कब किसके सलाम को इग्नोर करना है। चलिए सर, आपने बड़ा ठीक कहा, लोग तय करते हैं कब किसको झुक के सलाम करना है, कब किसको नमस्ते करनी है, कब नमस्कार करना है, कब प्रणाम करना है, कब किसके नमस्कार का जवाब नहीं देना, कब किसकी नमस्कार को अवॉइड करके चलना है कि वो चिल्लाता रह गया नमस्कार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।